तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है पोकेमोन सेंटर, जहाँ पे हमारे हीरो जो है वो आराम फरमा रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पे नर्स जॉय आ जाती है, जो कि ये कहती है कि तुम्हारे पोकेमोन फिट एंड फाइन है, डरने की कोई बात नहीं। ऐश और हमारे हीरो डिसाइड करते हैं वो थोड़ी देर यहाँ पे रहेंगे फिर वो आगे बढ़ेंगे। और तब तक सरीना अपने पोकेमोन को ब्रश कर रही होती है, ईवी का कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद पेंचियम पहले आना चाहता है ब्रश करने के लिए, लेकिन फ्लेक्सन भी चाहती है कि उसका पहले ब्रश हो। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी वो फाइट हो जाती है और बीच में उन्हें सरीना रोक देती है। थोड़ी देर बाद ही ये लोग चमकने लगते हैं तारों की तरह। इसके बाद सरीना की नजर कंप्यूटर पे पड़ती है और सरीना चेक करना चाहती है कि पोकेमोन शो के इसके रिलेटेड कुछ अपडेट तो नहीं आई है। इसके बाद जब सरीना ओपन करती है, उसके बाद सरीना वहाँ पे देखती है वहाँ पे एक वीडियो तो है। और सरीना जब उस वीडियो पे क्लिक करती है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है मसीहा जी। एक्सप्लेनेशन नहीं, पोकेमोन के नॉर्मल एपिसोड चाहिए वो भी हिंदी डब में, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो वियोन ऐप को, ये टोटली फ्री और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही कमाल के एनिमे देखने को मिलेगी। सो जाके डाउनलोड करो वियोन ऐप को, या को प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देर हुई है। इसके बाद वो हाई हेलो करता है और उसके बाद वो पोकेमोन परफॉर्मर्स अपनी एक डांस पार्टी में इनवाइट करता है। बाकी लोग भी ये सुन लेते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं सरीना के पास। वो सब लोगों को वहाँ पे आने के लिए कहता है और वहाँ पे इंजॉय करने के लिए कहता है। बॉनी ये सुनने के बाद एक्साइटेड होती है कि हम जाएंगे, लेकिन मसीहा जी ये कहते हैं अगर तुम्हें इस पार्टी में आना है तो तुम्हें अपने पार्टनर के साथ आना पड़ेगा। पार्टी की स्पेशल गेस्ट होने वाली है क्वीन, और ये मैसेज यही पे खत्म होता है। बॉनी वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ईवी का पार्टनर होने वाला है बनल भी। इसके ही कहती है सरीना को, क्या तुम्हारा पार्टनर फिर क्लाइमेट होगा? और ये सुनने के बाद क्लाइमेट का रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। इसके बाद ऐश क्लाइमेट को मोटिवेट करता है, कुछ नहीं सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद हमारे हीरोज उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पार्टी होने वाली है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो क्लाइमेट थोड़ा बहुत नर्वस हो जाता है। और सरीना उसे कहती है तुम चिंता मत करो क्लाइमेट, तुम ठीक ही रहोगे। और पीछे से आवाज आती है, क्लाइमेट तो इसका मतलब ऐश तुम्हारा डेट नहीं है। और ये सुनने के बाद सरीना थोड़ी बहुत चौंक जाती है और वो होती है मियाट होती है। एंड मियाट ऐश को प्रपोज कर देती है, क्या तुम मेरे डेट बनोगे? एंड हमारा ऐश भी एक नंबर का, तुम्हें पता ही है क्या है, और वो भी हाँ कर देता है। नहीं मतलब आगे सरीना खड़ी हुई है, कुछ शर्म कर। इसके बाद मियाट की नजर पड़ती है सरीना के ईवी के ऊपर, क्योंकि वो उसे पहली बार देख रही होती है। मियाट ने सरीना की परफॉर्मेंस देखी है और मियाट सरीना को कहती है कि तुम अभी से एक अच्छी राइवल बन सकती हो। मतलब मियाट समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से ऐश के साथ अंदर चली जाती है। इसके बाद हम टीम रॉकेट को देखते हैं, जो कि ऐश और बाकी लोगों को भी देख रहे होते हैं, और वो भी इस पार्टी में हो रहे होते हैं, मतलब आ रहे होते हैं। अंदर रजिस्टर करने के बाद उन्हें एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है, लेकिन उस पर कुछ नहीं होता है। और जब सरीना इसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि ये तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा, डोंट वरी। और वहाँ पे ड्रेस भी रेंट पे लिया जाता है। ये देखने के बाद दोनों के दोनों राइवल्स खुश हो जाते हैं। ऐश और मियाट को देखते हैं, मियाट बहुत सारी ड्रेसेस को ट्रायल के लिए ले जा रही होती है और ऐश को नौकर की तरह रख रहा होता है। सब लोग रेडी हो चुके होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि मियाट भी वहाँ पे आ चुकी है और ऐश बहुत ज्यादा थक चुका होता है। ऐश और क्लेमेंट को इन ड्रेसेस की आदत नहीं है, तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है, लेकिन ऑल इज वेल। इसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है, पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर उन्हें देखने को मिलती है आगे। और हमारी कालोज क्वीन के साथ होता है मसीहा जी, और वो सब लोगों का शुक्रिया कहता है यहाँ पे आने के लिए। और उसके बाद वो कालोज क्वीन के साथ सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। कालोज क्वीन आर्या को देख के बाद जैसी थोड़ी बहुत झलस फील कर रही होती है। इसके बाद मसीहा जी और क्वीन थोड़ा वो डांस वांस करते हैं। सरीना यहाँ पे रियलाइज करती है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे क्वीन को अपना आइडल मान। इसके बाद डांस खत्म होता है और सारे लोग तालियां मजा रहे हो। इसके बाद बाकी लोगों को भी डांस करने की परमिशन मिल जाती है, और हमें देखने को मिलता है कि क्लाइमेट थोड़ा बहुत नर्वस होता है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि क्लाइमेट को डांस करना नहीं आता और सरीना उसे सिखा रही है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐश का हार क्लाइमेट से भी बुरा है, मतलब दोनों भाई भाई। डांस करते करते ऐश मियाट की ड्रेस पे पैर रख देता है, जिससे दोनों का बैलेंस गिर के टकरा जाते हैं आपस में, और ऐश इसके लिए माफी मांगता है। और लेकिन अभी भी डांस पार्टी चल रही होती है, मतलब डांस कर रहे होते हैं लोग। इसके बाद हम जेसी और जेम्स को देखते हैं, जो अच्छा डांस कर रहे हो, लेकिन जेसी के अंदर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस और वो जेम्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसा ऊपर कर लेती है, जिससे जेम्स की हालत बहुत गंदी हो जाती है। इसके बाद फाइनली म्यूजिक रुक जाता है और मसीहा जी कहता है कि आप हम पार्टनर चेंज करके डांस करेंगे, और डांस स्टार्ट हो जाता है। वहां पे हर कोई डांस कर रहा होता है, अपने पार्टनर्स को चेंज कर करके डांस कर रहा होता है, और हर कोई अभी थोड़ा बहुत ट्रेन हो जाता होता है। और यही पे हमें पोकेमोन का एक ओपी रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। फाइनली सरीना पहुंच चुकी होती है ऐश के पास, मतलब ऐश और सरीना का डांस होगा, और हम पोकेमोन फैन जिसके लिए 50,000 सालों से इंतजार कर रहे हैं वो मोमेंट होगा। लेकिन किस्मत को ये गवारा ना था, और तभी बेल हो जाती है और टाइम अप। के बाद मसीहा जी आज का मेन इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि होते हैं टैग बैटल। और मसीहा जी कहते हैं जो तुम्हें पहले कार्ड मिले थे उनको लाइट में पकड़ो और तुम्हें अपना पार्टनर मिल जाएगा। और इस बार पता नहीं कैसे ऐश और सरीना एक ही टीम में आ जाते हैं, और उनके अपोजिट में होता है जेम्स और मियाट होते हैं। इसके बाद हमें एक बैटल देखने को मिलती है।
बैटल के बीच में ही ईवी हो जाती है इवॉल्व और उसके बाद बैटल कंटिन्यू ही होती है। और ऐश और सेरेना फाइनली जीत चुके होते हैं। वहां पे हर कोई ताली बजा रहा होता है सेरेना और ऐश के लिए। क्लाइमेट इस एवोल्यूशन को थोड़ा वो सरप्राइज कहता है सेरेना के लिए और सेरेना कुछ समझती नहीं है। तो क्लाइमेट एक्सप्लेन करता है अगर एक ईवी को सिल्वियन में तब्दील होना है तो उसका और उसके ट्रेनर का अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। और ये जानने के बाद सेरेना थोड़ी बहुत खुश होती है कि फाइनली ईवी और मेरा कुछ अच्छा सा बॉन्ड बन चुका है। इसके बाद हमें टीन रॉकेट देखने को मिलती है जो कि कुत्तों की तरह खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद फिर से मसीहा जी यहाँ पे आने के लिए सबको शुक्रिया कहते हैं और कहता है कि नेक्स्ट जो शो केस होने वाला है वो कहाँ पे। इसके बाद हमें कार्लोस कोइन देखने को मिलती है जो कि बात कर रही होती है लेमो के साथ और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद इसके बाद हमें सेरेना और सिल्वियन देखने को मिलते हैं और वही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं बोलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।